नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु एग्जामिनेशन सीरीज पार्ट टू लेकर आपके सामने आया हूँ। और आपने अगर इसका पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। और आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज पार्ट टू की, और इसमें हम लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2020। दोस्तों, आप ये सीरीज़ को ध्यान से देखते चलिए। इस सीरीज़ में मैं आपको एक एक करके बोर्ड एग्ज़ाम्स, आईआईटी जैम और नीट सभी के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं दो बोर्ड्स को कवर कर रहा हूँ, सीबीएसई एंड आईएससी। ऑल दो कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर फॉर अदर बोर्ड्स एज वेल। अगर आप इन दोनों बोर्ड से नहीं हो, किसी और बोर्ड से हो, किसी रीजनल बोर्ड से हो, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप उन बोर्ड के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि मैं इन्हीं बोर्ड पे काम करता हूँ, स्पेशली मैं पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मुझे इनके बारे में जानकारी है। तो मैं दोनों बोर्ड में मैं चार कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिबर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। I divide all the students in four category. और पहली कैटेगरी है 40 plus out of 70, सेकेंड कैटेगरी 50 plus out of 70, थर्ड कैटेगरी 60 plus out of 70, एंड लास्ट कैटेगरी 65 plus out of 70। ये मैं आपको स्पेशली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस। फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर सीरीज 65 प्लस। अब अगर आप 65 प्लस की बात करेंगे तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, डी नंबर पे 65 प्लस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। नंबर वन, इंटेलिजेंट ब्रेन भी है उनके पास। नंबर टू, वो लेबोरियस भी है। तो जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए 65 प्लस। नंबर वन, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक्स जो भी हैं आपकी, उनको आप चबा चबा के, दांतों से नहीं, अपने दिमाग के दांतों से उसको चबा चबा के और आपको एक एक पॉइंट लेके चलना है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो फिर आपका 1 और 2 और 3 और 4 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स तो आपको पूरा अच्छे तरीके से करना है। ईच एंड एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी बुक्स, पहली चीज़ नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम्पलर। और मैंने आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो था, जो आपको वहाँ पर लिंक पे देखिए, लिंक पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप जाइए और उस पर आप देखिए, तो आपको मैं उसका डिटेल मैंने बताया था, एग्जाम्पलर बुक्स। और तीसरा, इसको भी आपको कंप्लीट करना है, सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग गिवन इन दीज टू बुक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन, 10 ईयर्स क्वेश्चंस। पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हों, उनको भी आप अच्छे से लगाएंगे। और चूंकि आपको 65 प्लस पे जाना है, दिस इज़ वाई आप चौथी कैटेगरी पे भी काम करेंगे। और चौथी कैटेगरी है कुछ सैम्पल पेपर्स। ये आप देखिए, और ये चारों चीज़ों को हो सके तो
स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिए। ये चारों चीज़ें आपके लिए करनी बहुत ज़रूरी हैं। सैम्पल पेपर आप बहुत सारी अरियंत के आते हैं और भी अच्छे पब्लिशर हैं वो पब्लिश करते हैं, साथ में आपके CBSE बोर्ड ने इशू किए हैं सैम्पल पेपर्स, आप उनको भी ले सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। अगर आप इन चार की चारों चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सैम्पल पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो नए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो NCERT बुक्स में नहीं दिए होते हैं, तो उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन करके रखनी है कि बिल्कुल नए क्वेश्चंस अगर अचानक आपके सामने आते हैं तो आप उनको भी कर सकें। तो इसमें तो आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। और अगर आप ये सब कुछ किया और सब कुछ ठीक रहा तो आप 70 out of 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए इन स्टूडेंट्स के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। ओके, तो दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्कोर 65 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। नाउ आई एम मूविंग ऑन कैटेगरी नंबर सी। फॉर सी कैटेगरी सिक्सटी प्लस मीन्स आई वॉन्ट टू से बिटवीन 60 to 65 मार्क्स। 60 to 65 मार्क्स, 60 से 65 के बीच अगर मार्क्स आपको लाने हैं तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आप ये वाली कैटेगरी आप हटा सकते हो। आपको करना क्या है, टू स्कोर 60 to 65। देखिए ये कैटेगरी में मार्क्स का फ़र्क थोड़ा ही सा है लेकिन इसमें काम करने में, मेहनत करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लेबर। अगर आप 60 प्लस हैं यानी आप 61, 62 लाइक इस तरह के मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। अभी अब आपको क्या करना है, NCERT बुक्स के ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर बुक के रिलेटेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपके यहाँ अब पूछे जाने हैं। जैसे अब आपके CBSE बोर्ड में आपको पता है कि जो चार टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पलर बुक में। जैसे 1 जिसमें ऑप्शन है वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, रीज़न एसर्शन वाले क्वेश्चंस करने, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं लेकिन वो क्वेश्चन जो आपके मतलब के हैं। और 10-year क्वेश्चन ज़रूर करना है पूरा। अगर आप इतना कर लेते हो, NCERT बुक्स के सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो, एग्जाम्पलर बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लेते हो और 10 years के क्वेश्चंस आप सारे लगा लेते हो तो आप यकीन मानिए आप 60 प्लस मार्क्स ले आएंगे। और लेबर में दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप को लगता है कि नहीं आप 90% अबव मार्क्स, अगर आपको अबाउट 90% मार्क्स चाहिए, थ्योरी में टोटल स्कोर 90 प्लस चाहिए आपको, तो आपको इन तीन चीज़ों पे काम करना है। और मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कैटेगरी पे होते हैं, अच्छे वाले स्टूडेंट्स में, और वो इस कैटेगरी पे काम करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी काम कर रहे होते हैं। और इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी क्योंकि इस कैटेगरी पे काम जब आप कर रहे हैं तो आप साथ में IIT मेंस और नीट के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी पे हो तो आपको तो पूरी तरह से, सॉरी इस कैटेगरी पर अगर आप हैं तो आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा जो मैंने पहला वाला प्लान आपको बताया था फॉर कैटेगरी डी। ओके, अब आइए काम थोड़ा सा और सरल करते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो एवरेज के थोड़ा ऊपर हैं वो इस कैटेगरी में उनके मार्क्स आते हैं यानी बिटवीन 50 to 60। और ये जो है जोन काफ़ी आसान आपके लिए हो जाता है। सो बी पार्ट 50 प्लस आउट ऑफ 70। अगर आप इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए देखिए एक चीज़, पहली चीज़ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है, इसके मतलब है आपको 50 to 60 मार्क्स
पे काम करना है। अब आप इसमें थोड़ा सा और भी बच सकते हो, जैसे कि NCERT बुक्स में, जैसे आप ये आपको 10 ईयर क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे 50 प्लस लाने के लिए, 10 ईयर क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस जो NCERT बुक्स में दिए हैं आप उन पे काम करें। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस गिवन इन NCERT बुक्स आज तक जो नहीं पूछे गए हैं। एग्जिस्टिंग बुक मोर देन 10 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है, सेम क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज तक कभी नहीं पूछे गए। यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस NCERT बुक्स के। अब आपको ऑल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, NCERT बुक्स के वो क्वेश्चंस करने हैं विच आर रिलेटेड विद 10 ईयर क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप NCERT बुक से करें तो आपको उसके लिए फ़ायदा मिलेगा और एग्जाम्पलर के लिए आपके लिए सेम रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए काम आपका आसान हो जाता है, आपको NCERT क्वेश्चन बुक से सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो 10 ईयर्स के हैं। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है, आपके मार्क्स में भी तो रिस्क है, आप 10-20 मार्क्स को छोड़ भी तो रहे हैं आप, तो इसलिए जो है आपको इन तीन चीज़ों पर काम करना है। अब जो मेरे हिसाब से बड़ी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा जीते हैं, उनको पढ़ाई में उतना समय उनको नहीं देना है, वो कम समय देते हैं। देखिए दुनिया सबके लिए बनी है, और मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, और अपने प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। और सबका साथ सबका विकास का मतलब ये होता है कि हमारी क्लास में जितने तरह के बच्चे हैं, क्योंकि चारों कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो इस कैटेगरी के बच्चे बहुत ज़रूरी हैं जो नीचे वाली लाइन में हैं, 40 प्लस आउट ऑफ 70, जिनके मार्क्स 40 से ऊपर आने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60% इन थ्योरी। तो अब इनको क्या करना है, ज़रा बहुत ध्यान से बात को समझिए। इनके लिए नंबर एक NCERT क्वेश्चंस सिलेक्टेड, आप इंतज़ार करिए, मैं आपको वो NCERT के क्वेश्चंस बहुत जल्द इशू करने जा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और उन क्वेश्चंस को आप अगर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करते हैं तो वो आपके लिए काम आसान होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके लिए ईजी हैं। देखिए एग्जाम्पलर में भी आपको काम करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन इसमें भी आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें, और मैं उनके लिए बहुत जल्दी पब्लिश करने जा रहा हूँ, मे बी नवंबर स्टार्टिंग में मैं आपको वो क्वेश्चंस सेलेक्ट करके बताऊंगा कि आप इन इन क्वेश्चंस को कर लें तो आप 40 प्लस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मोर देन 50% स्टूडेंट्स वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये बहुत कॉमन कैटेगरी है, और एग्जाम्पलर से उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन उनको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं उनके लिए सेलेक्ट करके दूंगा और वो उन क्वेश्चंस को करेंगे तो उम्मीद है कि वो 40 प्लस पे पहुंच जाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा काम आपको करना है, जैसे लास्ट 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें कि आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, उनके लिए बहुत कम मेहनत उनको करनी पड़ेगी इस काम के लिए, लास्ट 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, 60 प्लस वीडियोस डाल चुका हूँ,
पता नहीं आपको मेरी क्या चीज़ पसंद नहीं आती है, शक्ल मेरी नहीं अच्छी है, लेकिन मैं आपके काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फिर आप ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल भी, उसको भी आप प्रेस कर दें। तो लास्ट थ्री चैप्टर्स अगर मैं ऑर्गेनिक की लेके आऊँ, तो पहला तो ये आपका ये हो गया नंबर ए पे। नंबर बी पे आपको जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री के आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आता है और बड़े इजीली आप इसको 4 मार्क्स को अचीव कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मेटलर्जी है, ये भी आपके 4 मार्क्स का, इनफैक्ट 3 मार्क्स का इसमें से आता है, 3 to 4 आप मान लीजिए। और इसके भी आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में उनको करिए, बेशक आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो भी क्वेश्चंस उसके अंदर दिए गए हों उनको रट्टा मारिए, किसी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ऑल क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी, क्योंकि जो मैं ये सेलेक्टेड टॉपिक्स दे रहा हूँ इनको आपको कंप्लीट करना है, ऑल क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, तभी आप 40+ पहुंच जाओगे। तो मेटलर्जी 3 to 4 क्वेश्चन हो गए, ऑल क्वेश्चंस इसमें आपको कवर करने हैं। इसके अलावा आप पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ऑल क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक, बहुत मुश्किल नहीं होता है ये करना, थोड़े से आपको रिएक्शंस करने पड़ेंगे, थोड़े से आपको स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे, ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी बुक इन एक्सरसाइज एज वेल एज अदर क्वेश्चंस गिवन विद इन द टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक के जो एक्सप्लेनेशन वाले जो पेजेस हैं शुरुआत के, उसमें बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं विद द टॉपिक्स, तो उनको भी आपको करने हैं, बट यू हैव टू कम्प्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन। और एक मैं चैप्टर मुझे और भी लगता है, क्योंकि ये तकरीबन आपके मान के चलिए 6 से 8 मार्क का आपका काम होता है, बट आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और इसके बाद अगर मैं एक चैप्टर आपको ले लूँ, और ये स्पेशली उनके लिए है सॉलिड स्टेट, दिस इज़ ओनली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आईएससी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एक चीज़ है कि उनके में ये चैप्टर आ रहा है, तो आप इस चैप्टर को भी इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए ऑल क्वेश्चंस। तो मुझे यकीन है कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस सेलेक्टेड, सेलेक्टेड क्या है मैं आपको बताऊंगा, आई विल डिस्कस एग्जाम्पलर सेलेक्टेड क्वेश्चन, आई विल गिव ऑल द क्वेश्चंस टू यू, सेलेक्टेड टॉपिक्स ऑल क्वेश्चंस, लास्ट थ्री चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं ये सिर्फ आपको सेलेक्टेड ये दूंगा, मैं पूरा पैकेज बना के काम कर रहा हूँ, और मैं आपको इसमें वो क्वेश्चन सारे करके भी दिखाऊंगा, और आप उसको मेरे साथ तैयार करते चलिएगा। और उसके बाद सेलेक्टेड टॉपिक्स हो गए ऑल क्वेश्चंस, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, और ये लास्ट थ्री चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट थ्री चैप्टर हैं उसमें एक बायो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये चीज़ आपका है, जो 4 कैटेगरी हैं मैंने आपको 4 कैटेगरी के बारे में बता दिया। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर आपको अगले वीडियो में फिर कुछ बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज़ के मैं ज़्यादातर वीडियोस पब्लिश करने जा रहा हूँ, बिफोर दीपावली में सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।